जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में नाइन्थ क्लास के हाइडर फैक्टर कठिन गुणनखंड से संबंधित कुछ प्रश्न को सॉल्यूशन इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप गौर से इसे समझेंगे और यदि किसी प्रकार का कोई कठिनाई हो, समझ में ना आवे, तो उसे कमेंट में लिखें और साथ ही साथ दोबारा यदि बताने की बात आती है तो बेहतर होगा कि आप दोबारा या तीन बार या चार बार इस वीडियो को जरूर से ज़रूर सुने और अपने साथियों को भी इस चीज़ को उन्हें अनुमति दें, ताकि इस परिस्थितियों में आपको दूसरे को सहयोग करना भी अति आवश्यक है। समूह में चलने का मतलब है सबको लेकर चलना, है ना? तो आइए, मैं आज आपको इस वीडियो में हाइडर फैक्टर का पहला क्वेश्चन गुणनखंड के माध्यम से बताने जा रहे हैं। पहले आपको भाग विधि के माध्यम से मैंने बताया और आज मैं आपको गुणनखंड के माध्यम से बता रहे हैं। आप इसको गौर से देखेंगे, सुनेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां बताने जा रहे हैं। आपको 6 क्वेश्चन पहले भाग विधि से बताया गया, 7वां बता रहे हैं। आप आगे समझ जाएं तो पीछे और आगे दोनों बन जाएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात, आप जैसे यहाँ वाले संख्या को जितनी संख्या से कटती थी, जैसे 10 है तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा या 10 से कटेगा, तो एक के जगह पर हम लोग एक भी रखेंगे, 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। रखने पर 0 आना चाहिए। यदि इस पर नहीं आता है तब इसी संख्या के साथ माइनस चिन्ह लगा के रखेंगे, जैसे -1, -2, -5, -10। फॉलो किए? मैंने यहाँ पर पहले एक अनुमान लगाते हैं, उस अनुमान से पता चलेगा कि 1 लगेगा कि -1 लगेगा कि 2 लगेगा कि -2 लगेगा। गौर करेंगे, +1, यहाँ 1 छुपा रहता है और ई भी प्लस में, 17 तो 17 1 18 18 आपको प्लस में आया और 18 आपको माइनस में है। इसका मतलब यह हुआ कि x की जगह 1 रखेंगे तब हम लोग को शून्य आ जाएगा, जांच कर लेंगे। देखिए विद्यार्थी, हम लोग सॉल्यूशन इसको करते हैं। सॉल्यूशन में आप यहां पर रखेंगे 1 का होल क्यूब, 1 का होल स्क्वायर, 17 × 1 -10, 1 का होल क्यूब 1, 8 × 1 17 × 1 10, 1 × 8 × 17 × 10 +1 17 × 1 18 10 × 8 18 0 आया। इसका मतलब x की जगह आपने कितना रखा, 1, तो गुणनखंड क्या बन गया, गुणनखंड क्या प्लस में रहेगा तो माइनस में। सभी जगह हम लोग को यही फैक्टर करना है, यही गुणनखंड बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए, अब एक्स क्यू 8x² 17x -10। पहला पद और अंतिम पद कुछ नहीं करना है, तो एक्स क्यू ध्यान दो। अब यहाँ जितना घात है, पहला प्लस में तो दूसरे का माइनस में, पहला प्लस में तो दूसरे का माइनस में, दू घात जितना घात है उसे एक कम कर देगा तो 2 घात। यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, मतलब गुणांक बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, चलो हो गया, समझ रहे? अब x² यहाँ पर कितना था, तो -8x² था और लिखे -1x² तो बचा कितना, तो बची आपको -7x². अब ये दोनों बारे में सोचना, अब इसके बारे में सोचना है। यहाँ देखिए, 1 प्लस 1 माइनस,
तो ये आया माइनस में, अब ये दीजिएगा प्लस में, दोनों जगह अंक बराबर होना चाहिए, ये सात है तो ये भी सात, और घात एगो कम जाना चाहिए, फॉलो किया, यहाँ दो घात था ये घात कम दिया। अब देखिए इसके बारे में नहीं सोचना, इसके बारे में नहीं सोचना, तो ये सत्रह एक्स था आपने सात को लिख दिया तो बच गया कितना दस एक्स। अब इसका क्रिया ये गया, अब इसको तो कुछ करने नहीं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपको फैक्टर का गुणनखंड अब कॉमन लेने जो मिलेगा, तो इसमें दो पावर और इसमें तीन पावर, तो छोटा पावर कॉमन होता है, छोटा पावर यहाँ से कम जाएगा माइनस वन, इसी तरह से सब जगह बनेगा, माइनस से प्लस से माइनस सात, और ये वो एक्स एक्स बाहर दो तो सात, और वो एक्स निकलेगा तो एक्स बचेगा माइनस वन सेम, फिर यहाँ दोनों में दस एक्स माइनस कुछ नहीं तो एक, तीनों जगह सेम ही एक बहादुर। अब तीनों को एक साथ लिखेंगे, इसको 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 एक ही गो, आई तीनों को एक गुणनखंड में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स और प्लस दस। अब एगो और आ गया गुणनखंड होने वाला त्रिपदीय बहुपद, यानी इसको भी गुणनखंड करेंगे, तो दस को तोड़ के कितना लाना है सात, तो पाँच दुनी दस, पाँच दुनी दस जोड़ के आएगा, तो ऋणात्मक जोड़ है, ऋणात्मक जोड़ कहने का मतलब है विद्यार्थी जी, क्योंकि माइनस पाँच और माइनस दो जोड़ेंगे तब माइनस सात आएगा, क्योंकि माइनस आगे चिन्ह है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स माइनस दो एक्स प्लस दस। आपके सामने विद्यार्थी जी ये दोनों में क्या कॉमन है विद्यार्थी, पता ही होगा एक्स, तो एक्स माइनस पाँच, माइनस दो कॉमन है विद्यार्थी, पाँच दूनी दस, पाँच दूनी दस, यहाँ से विद्यार्थी जी एक्स माइनस वन, ये दोनों बदले एक्स सात, और यहाँ का बदले विद्यार्थी जी एक्स माइनस टू, यही आपका आंसर आया। थोड़ा लंबा है, हार्ड है, समझने में दिक्कत होगा, मैं आपको दोबारा तिवारा बताऊंगा, आज बहुत कम ही बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपके बीच ये पहला बार जा रहा है, कोई भी चीज़ अजनबी कब होता है जब पहली मुलाकात होती है, और वो आसान कब हो जाता है, मिलने के बाद मुस्कुराते हैं कब, जब एक बार नहीं कई एक बार मिलते हैं तब, तो यदि इस मैथ से आप मुस्कुराना चाहते हैं तो इनसे बार बार मिलिए और सलाम कीजिए, इन्हें ज़रूर सलाम कीजिए, कहने का मतलब, सलाम करने का मतलब, आप इसे दोबारा रिप्लाई करें, देखें, बनाएं, सोल्यूशन इसको कीजिए, तो बेहद सुंदर होगा, तब इसको देख करके आप मुस्कुराइएगा, अन्यथा पोछ के निकलना पड़ेगा, पोछ के निकलना पड़ेगा, ध्यान से रहें। देखिए विद्यार्थी, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा रिप्ले करता हूँ, गौर कीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है, अंतिम संख्या को पता लगाना है, कौन कौन संख्या से ये कटेगा, तो दस है अंतिम है, तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, पाँच से कटेगा और दस से कटेगा, समझे, तो उसमें सबसे छोटी संख्या एक्स के स्थान पर रखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या पहले एक होता है, एक रख दिया तो एक का होल की वेट, एक रख दिया तो एक स्क्वायर है, सत्रह में एक से गुना होगा सत्रह, आठ में एक से गुना होगा आठ, अब दोनों प्लस सोलह को एक तर अठारह, ये दोनों माइनस सोलह को एक तर जीरो, तो एक्स का जगह पर आपने कितना रखा एक, इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया एक, जोड़ में इधर आएगा तो घटाव में, ये बन गया पहला गुणन खंड, यानी हरेक जगह आपका गुणनखंड क्या बनाना है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन में ये जा एक है ये जा एक है, मतलब गुणांक बराबर होना चाहिए, अंक गुणांक बराबर होना चाहिए, यदि जा पाँच होता है या दस तो यहाँ से दुगुना होती, पाँच दुनी दस, और तो वो तो अंक हुआ गुणांक हुआ, अब चिन्ह
एक प्लस में तो एक माइनस में। यहाँ पर ये नहीं देखना कि आगे प्लस हो पिछला माइनस हो, वो तो कॉमन लेने पर होगा निश्चित, लेकिन इतना याद रहे कि यदि पहला प्लस में आया तो दूसरे का पद माइनस होना जरूरी है, यदि दूसरे का पहला आ गया माइनस में तो दूसरे का पद प्लस होगा, याद रहे। तो यही बात मैंने यहाँ किया, पहला पद और अंतिम पद को कुछ नहीं करते हैं, कह नहीं किया तीन घात तो उसके बदले ये कम कर देंगे दो घात, अब ये कॉमन बन चुका है, बन गया है, दुइये गो को मिलाना है। अब आपके पास एक स्क्वायर था आठ गो, अब आपने लिखा ये गो तो बच गया कितना माइनस सात गो। अब देखिए ये आगे आ गया माइनस तो यहाँ देंगे प्लस, ये अंक सात तो ये भी सात देंगे क्योंकि समान होना चाहिए गुणांक, और दो घात है तो यहाँ एक घात दे देंगे, इसका क्लियर हो गया। अब सत्रह गो में सात लिखा है तो बच गया कितना दस से बचा, अब लास्ट तो कुछ करने में, इसी प्रकार से यहाँ कॉमन ले लिए, ये दोनों में छोटा घात, ये दोनों में छोटा घात, ये दोनों में छोटा घात, सब जगह सेम मिलेगा, तीनों जगह एक साथ लिखेंगे, यहाँ वाला एक साथ, ये एक साथ, ये एक साथ, दस गुणनखंड करेंगे पाँच दूनी दस माइनस में, देख रहे हैं अब ये दोनों कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों कॉमन लेंगे, ये दोनों एक साथ मिला तो एक बार लिखाया, अब ये दोनों को एक साथ लिखाया, तीन बार गया गुणनखंड। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितना घात रहेगा उतना गुना खंड रहेगा, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए विद्यार्थी आपके सामने दो नंबर क्वेश्चन के आठवां नंबर, तो विद्यार्थी मैं उसी क्वेश्चन की तरह भी इसको मैं भी दो बार बताऊंगा, आप कहीं छोड़ के जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। देखिए सोल्यूशन गौर करें, ये पैंतालीस है तो एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, पाँच से भी कटेगा, नौ से भी कटेगा, समझ रहे बात को, और पैंतालीस से भी कटेगा तो बहुत दूर बड़ी संख्या तक है, आप अनुमान लगा करके काटेंगे, ये प्लस में प्लस में प्लस में तो इकतीस और तेरह चौवालीस हुआ और ये पैंतालीस, एक रखने पर आ जाएगा, सेम उसी की तरह है सेम। देखिए ना यहाँ पर होल क्यूब, एक का होल स्क्वायर इकतीस गुने एक, देख लिया एक और तेरह गुने एक और इकतीस माइनस पैंतालीस, एक और प्लस तेरह और प्लस इकतीस माइनस पैंतालीस, ये तीनों प्लस में है, जोड़बो तो ऐसे इसको जब घटाते हैं तो आता है कितना जीरो, तो ये जीरो कब आए विद्यार्थी जब x की जगह कितना रखें एक, x की जगह कितना रखें एक, तो x बराबर एक, तो अब गुणनखंड जब बनाएंगे गुणनखंड तो जोड़ में इधर दे तो घटाओ, समझे बात को, सुन रहे बात को, ये गुणनखंड हुआ। अब उसी के तरह आप हल करेंगे, देखिए एक्स क्यू प्लस तेरह एक्स स्क्वायर प्लस इकतीस एक्स माइनस पैंतालीस, बहुत बहुत अच्छा। तो यहाँ तो पहले वाला तो पद कुछ करने नहीं है, अब देखिए एक प्लस में तो एक माइनस में, तो प्लस में तो अभी माइनस में, यहाँ एक तो यहाँ भी एक, यहाँ एक तो यहाँ भी, घात कम जाएगा एगो। अब देखिए एक्स स्क्वायर कै गो है तेरह प्लस में, अब आपने लिखा कोची में माइनस में, तो इसको भी तो एगो देना पड़ेगा, माइनस मतलब आपने घटा दिया तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो चौदह लिखना पड़ेगा, चौदह एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि चौदह में एक घटेगा तो तेरह ही बचेगा, रहना चाहिए वही। अब देखिए ये प्लस में आया तो अब माइनस में, ये चौदह है तो अगला भी चौदह होगा, क्योंकि यहाँ का गुणांक यहाँ का गुणांक बराबर होना चाहिए, ये दो घात है तो अब ये घात होगा, आपके पास एक्स गुणांक वाला कितना था तो इकतीस गो था, और आपने एक्स गुणांक वाला क्या लिखा चौदह लिखा लेकिन माइनस में लिखा, तो इतना ही घटा दिए तो यही इसमें जोड़ देंगे, तो इकतीस और चौदह जुड़ के कितना पैंतालीस, यानी प्लस में पैंतालीस एक्स और माइनस पैंतालीस, देखिए पैंतालीस एक्स में घटेगा तो इकतीस घट जाएगा, अभी एक्स
दोनों में क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस वन 14x लेंगे कॉमन, तो एक्स माइनस वन 45 लेंगे कॉमन, तो एक्स माइनस वन 7। अभी तीनों एक जैसा है उसको एकता लिखेंगे, इसको 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 एकता, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 45 देख लो। अब एक्स माइनस वन 45 को तोड़ो और 14 लाओ, 9 5 14 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45 एक्स माइनस वन, दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 9 5 कॉमन है, एक्स प्लस 9 यहां से विद्यार्थी जी एक्स माइनस वन दोनों मिल गए एक साथ, एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 5, तो ये आया आंसर। तो मैं फिर से इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करता हूँ, थोड़ा टफ है मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी आप कोशिश करेंगे, नाइन्थ क्लास का आप स्टूडेंट है, कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हासिल हो जाता है ना। देखिए हम लोग फिर से दोबारा फैक्टर पर करते हैं, इधर तो आसान हो जाता है, यही थोड़ा फैक्टर करने में परेशानी होती है। आइए करते हैं, ये तो आपका प्रश्न ही है, हर जगह आपका फैक्टर क्या बनाना है, एक्स माइनस वन के पद में। तो यहाँ पर पहला पद लिख देंगे, पहले प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले प्लस है तो दूसरा माइनस, अलग चीज है, तो प्लस तो हो गया माइनस, या तीन घात तो यहाँ दो घात, तो यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर था, अब आपने लिख दिया कोची में माइनस में, यानी कम कर दिया, तो बढ़ाएंगे तब ना बराबर होगा, तो इसलिए हमने 13 को बना दिया 14, घट के हो जाएगा, ठीक है। अब ये 14 एक्स स्क्वायर यहाँ के लिए अलग हो गया, अब यहाँ भी अलग, ये दोनों के लिए, तो ये 14 तो ये भी 14, दो घात तो एक घात कम, एक प्लस में तो दूसरा का माइनस में, तो अब यहाँ पर बच गया 31 प्लस में था और आपने लिख दिया कौची में माइनस में, तो एक्स्ट्रा कितना लिखा, कितना कम लिखा पहले, सॉरी पहले कितना कम लिखा, तो माइनस 14 का मतलब 14 को कम लिखा, तो 14 को उसमें जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा 45, तो यहाँ पर आ गया 45, लास्ट में तो कुछ कर रहे नहीं। अब यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ से 14x, यहाँ से 45, ये तीनों एक जैसा, तो एक साथ ये तीनों को एक साथ, फिर इसको 45 को गुणनखंड करेंगे, 9 5 45 प्लस में लाना है, तो जब प्लस में लाना है तो दोनों प्लस में रखना, ये दोनों 7 कॉमन, ये दोनों 5 कॉमन, ये दोनों एक साथ आंसर। जितना घात रहेगा, घात कितना है 3, तो 3 गुणनखंड होना है, मैक्सिमम दो को भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो आपने यदि इस वीडियो में दो क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझ गए होंगे और नहीं समझे होंगे, तो मैंने इस दोनों क्वेश्चन को एक बार मैंने बनाया और इसके बाद आपको फिर एक बार करके मैंने आपको समझाया, तो याद रहे, आप फिर भी नहीं समझ में आए तो दोबारा भी पूछिएगा, लेकिन तभी जब आप पहले इस वीडियो को दो बार तीन बार रिपीट करके ना देख लें और व्हाट्सएप पर ना भेजे बना करके, तब तक नहीं। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग हाइडल फैक्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दिया जाए, जय हिंद।